अच्छा यार, देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड दिस कवर पिक्चर। वेलकम जी, न्यू वीडियो में। फ्रेश हो गए हैं, नमाज पढ़ लिया, नाउ इट्स टाइम फॉर स्ट्रगल। ओके, दोपहर के 1:30 बजे हैं और अभी देखते हैं कि कितने घंटे बैठकर जो है ना वो मैंने पढ़ना है और हमने क्या कुछ करना है। दिस इज आवर टुडेस टास्क कि हम किस तरह से अपने डे को मैनेज करते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले जी मेरे लैपटॉप को कवर, सबसे पहली मोटिवेशन मुझे यहीं पे मिल जाती है। उसके बाद अभी हम चलते हैं गूगल बाबा पे। इस टैब को कर लेते हैं क्रॉस क्योंकि इस पे हमारा कोई काम नहीं। 1 hour later। ओके जी, वेलकम बैक। टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 2:30 और मैं तकरीबन 1 घंटे के बाद वीडियो अभी दोबारा से मैंने स्टार्ट की है और मैंने सोचा चलो अभी बात करते हैं। मैंने 1 घंटे में क्या किया, मैंने कुछ वीडियोस देखी, मैंने उन वीडियोस के सुना, उनको थोड़ा सा नोट किया मैंने जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसके अंदर। तो मैंने कहा चलो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग नोट्स मेकिंग पे। सो बेसिकली दिस वीडियो इज़ अबाउट हाउ टू स्टार्ट, और खासतौर कुछ होते हैं ना बिगनर्स। वैसे मैंने बेसिकली ये सोचा था कि मैं इस वीडियो के अंदर जो है ना मैं ये बताऊँगी कि हम लोग बहुत से क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं, हालांकि वो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन होती है, वो उनको कहीं से भी मिल जाएगी, उनको कहीं से भी पता चल जाएगा कि जी वो लोग एलिजिबल हैं या नहीं हैं, वो लोग क्या किस चीज़ के बाद एलिजिबल हैं या किस चीज़ के बाद नहीं हैं। और लेकिन फिर भी अगर कहेंगे तो मैं उस बारे में एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी। अभी मैं ना एक सोचा कुछ था लेकिन मैं कहा चलो यार ये वीडियो बना देते हैं। ओके, सो दिस इज़ माई स्टाइल ऑफ नोट्स। ये मैंने डिटेल नोट्स बनाए हुए हैं। अभी कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं यार डिटेल नोट नहीं बनाओ, आप जस्ट शॉर्ट नोट्स बनाओ। सबकी अपनी स्ट्रेटजी होती है, एवरी वन हैव देयर ओन स्ट्रेटजी। आपको जो अच्छी लगती है, आपको जो अपने लिए फॉलो करनी है, आप वो वाली स्ट्रेटजी फॉलो कर लो, आप वो वाला पैटर्न फॉलो कर लो। ठीक है, तो दिस वन इज़ माई ऑप्शनल सब्जेक्ट। ओके, तो हम लोग अमूमन बुक्स लेते हैं, हम बुक्स पे से पढ़ते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, ये मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसका जो मुझे क्वेश्चन लगता है कि ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसको जो है वो एक डिटेल्ड नोट कर लेती हूँ। ना सिर्फ बुक से नहीं, बुक से भी, यूट्यूब से वीडियो देखकर, कहीं और से डाटा जो है वो कलेक्ट कर हम उसको एक एक्सट्रैक्ट करके अपने लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं कि यार दिस क्वेश्चन इज़ इम्पॉर्टेंट, तो इसको जो हम ज़रा अच्छे से अपने पास ना इसका कंटेंट बना कर रख लेते हैं, बिकॉज इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जैसे कि ये मेरा क्वेश्चन था एक, मैंने इसको बहुत अच्छा सा प्रिपेयर करने की कोशिश कर ली। कुछ लोग होते हैं जो शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने शॉर्ट नोट्स कैसे के बनाए हुए हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ होती है स्टिकी नोट्स की, कि जो आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ है ना आप उसको नोट डाउन कर लो, आप उसको बुलेट फॉर्म में नोट कर लो, आप उसको बस अपने सामने रख लो कि आते जाते आप उसको पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, आपको वो चीज़ याद हो जाए। जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ कि शॉर्ट नोट्स, हाउ आई मेक शॉर्ट नोट्स। ये राइटिंग काफ़ी गंदी है, जस्ट इग्नोर दी राइटिंग। ये मैंने बनाए थे इस्लामियात के लिए। अभी आप ये देखिए कि दिस वन इज़ शॉर्ट नोट्स ऑफ इस्लामियात। ठीक है, अभी मैंने इसके अंदर क्या किया, आपको दिख रहा होगा कि ये एक पेपर है, जस्ट वन पेपर, और इस एक पेपर के ऊपर मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 टॉपिक्स को मैंने नोट डाउन किया हुआ है। एक पेपर के ऊपर 6 टॉपिक्स को मैंने नोट डाउन करके, अब जैसे आप ये देखिए कि मुझे मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपकी पेपर भी एन ईजी हो जाती है, आपने जब पेपर देने जाना था आप लोग आसानी से अपने नोट्स को कैरी कर सकते हो, आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एंड यू कैन जस्ट रीड आउट। जैसे ये देखिए इस्लाम में इंसानी हकूक, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने वो सारे यहाँ पर नोट डाउन कर दिए ताकि मुझे पता हो कि मैंने इसमें ये सब बातें करनी है। इसको रख देते हैं वापस। डिटेल नोट्स, शॉर्ट नोट्स जिसको हम बुलेट फॉर्म में बनाते हैं, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्टिकी नोट्स। अभी मैं आपको अपना एक दो स्टिकी नोट दिखाती हूँ यार। एंड दिस वन, दिस कवर, इसकी एक अपनी एक स्टोरी है, यू कैन से लाइक माई मे बी मोटिवेशन फॉर मी। मैं अपना ऑप्शनल जो इस पर नोट कर रही हूँ, एंड आई कैरी दिस नोटबुक विथ मी, मे बी आई विल टेल यू दिस स्टोरी नाउ और लेटर। अभी जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे स्टिकी नोट्स हैं, आपको मैं स्टिकी नोट्स पे दिखेगा कि कहीं पे सिर्फ मैंने एक पॉइंट नोट किया हुआ है, कहीं पे मैंने एक पूरा क्वेश्चन भी, इवन कि मैंने स्टिकी नोट भी डाल दिया है कि वो मुझे याद रहेगा ना, कि मैंने उसको याद रखना है, मैंने उसको रिवाइज करना है, वो चीज़ आपको पढ़ने में आसानी हो जाती है। अभी हमने डिस्कशन कर, मैं ना अभी सिर्फ थॉरली आपको बता रही हूँ चीज़ों को कि किस तरह से चीज़ें लेकर चलनी होती है, बाकी हम प्रॉपर जो है वो इन चीज़ों को लेकर चलेंगे और हम फिर इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अभी जो है वो मैं दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करूँगी क्योंकि अभी नमाज का भी टाइम नहीं है और अभी इफ्तारी का टाइम भी नहीं हुआ, तो अभी जो है वो लेट्स फाइंड एनी वीडियो टू वॉच आउट,
उस वीडियो को हम लोग देखेंगे, कुछ वीडियोस लाइक अबाउट करंट अफेयर्स स्टडी अगेन, एंड नाउ आई विल अपडेट यू के उसके बाद अब मैं क्या करने लगी हूँ. अभी मैं बैठकर कुछ, पहले मैंने 1 घंटा वीडियोस देखी हैं. नाउ आई विल नोट डाउन सम क्वेश्चंस, आई विल मेक माय नोट्स, बिकॉज मैं ऑप्शनल्स के डिटेल्ड नोट ही बनाती हूँ, कंपल्सरीज के मैं शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ, क्योंकि मैंने ऑप्शनल्स को खुद से प्रिपेयर करना होता है, तो मैं ज़रा इसी तरह प्रेफर करती हूँ उसको. ठीक है. A few minutes later. कोई वर्ड गलत होता है तो आपने लफ्ज़ गलत होने पे बस इस तरह से मार करना होता है, वो इस तरह पूरी लाइन अवॉइड करनी है आपने. ठीक है. बात करते हुए ध्यान हट गया था मेरा. आपकी अपनी मर्जी है कि आप अपने नोट्स को कितना ज़्यादा खूबसूरत और कितना ज़्यादा अच्छा बनाते हैं. आप अपने फ़ॉन्ट को बड़ा रखिए, छोटा रखिए, स्पेस अपनी इनक्रीज़ कीजिए, कम कीजिए, ये सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं. One hour later. वेलकम बैक जी. टाइम हो गया है 4:20 और एक और टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया है. ठीक है. और अभी जो है वो चलते हैं किचन में और देखते हैं इफ्तारी का क्या सीन है भाई. ओके जी, किचन में मैं तशरीफ ले आई हूँ. ये रखे हैं आलू बॉयल होने के लिए और ये काटे हैं प्याज, ये काटे हैं बाकी वेजीज, दही भले के सामान के लिए. उसके अलावा आपको दिखाते हैं हमने जो फ्राई करना है. ये है गंदा आज का. लेकिन एक सेकंड, ये पोटैटो फ्राई हो रहे हैं, इसके अंदर अभी बाइट निकाले हैं और दिस वन इज, नाम भूल जाता है मुझे बार बार इसका. अभी ये बॉल लेने आई हूँ मैं. आ जा भाई, इसलिए मेरे घर वाले मुझे काम नहीं कहते. तुमसे ना हो पाएगा. ओके गाइस, ये बैंगन फ्राई हो रहे हैं और ये कुछ पोटैटोस करके रख दिए हैं. ये दही भले का सामान पहले भी दिखाया था मैंने आपको. फ्रूट के अंदर ये है और उसके अलावा मौजूद है स्ट्रॉबेरी. लें जी, ऑन ड्यूटी. आपको पता है ये सब ये कार्ट होती है और अगर आपको नहीं आती तो आप एक आर्टिस्ट नहीं है. वो रखा है भाभी. ये वाला बॉल रिजेक्ट हो गया, अब दोबारा लेने जा रहे जी. ये वाला लेना था. शाबाश बेटा. ले जी, इट्स टाइम टू ऐड दिस स्टफ. ये मैंने डेकोरेट किया है, ये भी मैंने लाइन लगाई है फुर्सत से, ये भी मैंने फुर्सत से लाइन लगाई है. स्ट्रॉबेरी शेक. अभी टाइम हो गया डिजाइनिंग का. और इसके ऊपर हो रही है इमली की चटनी की डिजाइनिंग. One hour later. नाउ इट्स टाइम फॉर आर क्लास. मैंने अपनी मीटिंग जो है उसको ज्वाइन कर लिया है. मैं वेट कर रही हूँ, मैंने क्योंकि थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर लिया है. ये क्लास चलेगी ऑलमोस्ट 1 घंटा.
एक घंटा सवा घंटा इस तरह कुछ टाइम चलेगा, उसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या काम है। ये सब कुछ जो है ये होता है रूटीन के अंदर, अपने ये वाले सारे काम छोड़ दी। राइटिंग ऑफ अनदर टॉपिक इज डन, और अभी जो है वो मैंने एक इनविटेशन कार्ड जो है वो डिज़ाइन करना है, घर वालों ने बोला है तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। अभी जो है ये मैंने डिज़ाइंस निकाले हैं, अब इनमें से जो है वो कोई डिज़ाइन फाइनल करेंगे। अभी मैं डिज़ाइन वगैरह बना लूँ, देन आई विल शो यू मैंने कैसा कार्ड बनाया है। सो कार्ड इज़ फाइनली डिज़ाइन, और अभी आपको लेफ्ट साइड से मैं दिखाती हूँ। अभी इसको जब वो डाउनलोड करूँगी एंड देन विल शेयर विद एवरीवन, जिन जिनको भी इवेंट में इन्वाइट करना है, क्योंकि बेसिकली ये इवेंट हो रहा है न्यू बेबी की खुशी में। नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। वेलकम बैक टू अनदर अपडेट, और मुझे लग गई है भूख पढ़ते पढ़ाते, तो कुछ देसी खा लेते हैं क्योंकि रमजान है और सहरी में भी मुश्किल नहीं हो। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि कुछ हो जाए देसी टाइप। मैसेज आई जा रहे हैं, पढ़ाई के दौरान नो मैसेजेस नथिंग, अच्छा बात नहीं है। बारबेक्यू भी है, चलो अभी इसको फाइनल करते हैं फिर ऑर्डर करती हूँ। जब ऑर्डर आएगा तो आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया और मैंने क्या खाया, ठीक है। ओके जी, खाना मेरा आ गया है, ये हैं रोटियाँ। अच्छा मैं अभी घर पे हूँ और मेरा हॉस्टल्स वाला हिसाब है, मैं हॉस्टल में जाके रहूँगी तो मेरा क्या हिसाब होगा। मैंने सोचा यार अकेले क्या खाना है, साथ में घर वालों के लिए भी मंगवा लिया मैंने, मम्मा ज्वाइन करेंगी मुझे। शाबाश बेटा, ठीक है। सालन जो है ना वो मैंने मंगवाया है अचारी कढ़ाई, ले आ गए हैं जी अनाया मायरा वाले पीछे। ठीक है अभी आपको दिखाती हूँ। वो चलें जी, अब हॉस्टल वाली वाइब ले लेते हैं क्योंकि हॉस्टल जाना ही है एक दिन। नहीं जी, अब जो है वो थोड़ी देर हम लोग खाना खा लें। और अब टाइम हो गया है ग्रीन टी का, रात के 12 बज के ऑलमोस्ट खाना खाया हुआ है, इस वजह से ग्रीन टी पीने लगी। वेलकम बैक टू अनदर अपडेट, 2 बज रहे हैं रात के और मैंने आधा घंटा तकरीबन रेस्ट किया। अभी लैपटॉप को दोबारा ऑन किया है और अब मैं कुछ लेक्चर्स देखूंगी इंग्लिश ऐसे और प्रेजेंट कंपोजिशन पे, फिर उसके बाद जो है वो सहरी का टाइम हो जाएगा। नेट को कनेक्ट कर लूँ मैं, वो लैपटॉप ऑन करती, मैंने गूगल क्रोम खोल दिया। उसके बाद जो वो सहरी का टाइम हो जाएगा, सहरी करके नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़ के फिर नींद का टाइम हो जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे की रूटीन देखेंगे कल क्या होने वाली है, कल मुझे 2-3-4 मज़ीद काम भी हैं। ओके सो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।